नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप इन खेतों को देख रहे हैं कि गेहूं की बालियां कैसे मुरझा गई हैं ओले और बारिश और तेज़ हवाओं की मार से। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बड़ी संख्या में खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं रबी की। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान को एक नज़ीर माने तो 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो खेती योग्य ज़मीन है उसमें फसलें बर्बाद हुई हैं। लेकिन इस बर्बादी को हम कई बार मौसम की सामान्य घटना समझ लेते हैं और उसके भीतर एक एक किसान किस तरह से प्रभावित हुआ है, उसकी दुश्वारियां क्या हैं और निकलने के रास्ते क्या हैं, इन सब पर बात नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने आज प्राइम टाइम के लिए एक ऐसे दिन में जब राज्यसभा और लोकसभा में किसानों की ज़मीन भूमि अधिग्रहण के सवाल को खूब बहस हो रही है उस पर और दावेदारियां हो रही हैं कि कौन किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, हमने सोचा कि यमुना एक्सप्रेसवे से लगे जेवर गांव के पास, जेवर जो इलाका है उसके पास एक गांव में हम आते हैं और देखते हैं कि जो मौसम की मार से गेहूं की फसलें ख़राब हुई हैं उसका व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर, किसानों की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, बीमा की जो सुविधा है, जो सवाल हैं वो उसकी अपनी क्या समस्याएं हैं और सरकारें जो मुआवजे की राशि का ऐलान करती हैं वो बढ़ते बढ़ते कितने में पहुंचती हैं, कितना हो जाती हैं और कितना वक्त लगता है, ये भी एक सवाल है। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये उभर कर आना चाहिए अब इस बहस में कि अक्सर हम फसल की बीमा को ठीक तरीके से जनमत का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि फसल की बीमा जो किसान बीमा कराता है वो उतना निश्चिंत नहीं हो पाता जितना हम बीमा कराकर हो पाते हैं? तो एक ही तबके, एक ही तरह के लोग हैं लेकिन सिर्फ क्लास बदल जाने से हम अपने बीमा को लेकर बहुत निश्चिंत रहते हैं कि दुर्घटना या स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में हम बहुत बीमित हैं, सिक्योर्ड हैं, लेकिन किसानों को उस बीमा की राशि नहीं मिलती है। तो ये जो फसलें बर्बादी की जो दास्तां है वही आज हम इस गांव में किसानों के साथ समझने का प्रयास करने जा रहे हैं प्राइम टाइम। ये बेकार होती चली जाएगी, धूप पड़ने से बेकार होती चली जाएगी, इनमें क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ नहीं दिखा देते हैं, सब वो जैसी की सूखी जा रही है बात, जैसी सूख रही है तो सर्वे नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई सर्वे करने आ रहे तो कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ सर्वे करने, तो सर्वे कैसे होता है, फसल मौसम से फसलें बर्बाद होती हैं, घर बैठे कर लिया जी, लेखपाल घर बैठे कर लिया, लेखपाल घर बैठे कर लेता है तो आता नहीं, आप लोग नहीं जाते उसके पास, ये बारिश में गिर गया और ओला में है ना, ये देखो ये आप दिखा रहे हैं, आप कौन सा गांव है, ये चौरौली, चौरौली है, हाँ जी चौरौली है, तो चौरौली के गौतम बुद्ध नगर के किसान हैं आप लोग, दिखा रहे हैं हमें कि थोड़ा सा शिक्षित भी कर रहे हैं कैसे ओला पड़ने से, ये देखो बारिश होने से लगातार फरवरी और मार्च के अंत में है ना, ये देखो एक साथ देखो ना, ये देखो ये क्या है, मतलब ये अलग अलग, ये तो धूप में सब सूख गया है, अब सब सूखेगा, इसी से अब इसमें दाना नहीं आएगा, ये तो बर्बाद है, जो बाल में दाना भी है वो दाना भी खराब हो गया, ये दाना खराब हो गया, ये पूरा काला पड़ गया, काला पड़ रहा, और यहाँ तक पहुँचने में कितने महीने लग गए इस फसल को, यहाँ तक 3 महीने, तो एक तरह से 3 महीने की मेहनत आपकी बेकार है, 3 महीने बेकार, फसल ही बर्बाद हो गई, 6 महीने की फसल बेकार है, जो पैसा लगाया वो पैसा बर्बाद हो गया, अप्रैल में ये पक जाता, हाँ अप्रैल में कटाई शुरू हो जाए, इनका नुकसान, वो क्या है, वो नीलगाय है, वो क्या है, कितने नीलगाय, अच्छा ये और बर्बाद करती है, ये और फसलों को बर्बाद करती है, अच्छा ये एक और समस्या है खेतों में, हाँ देखो, हाँ क्या इसमें है कुछ, देखो ऐसे सूखेंगे सब, ऐसे शुरू हो गए, ऐसे ये सूखते चले, आप ये कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगी वही साथ सूखने शुरू हो जाएगी, पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो फसल बर्बाद हुई है तो इसमें कोई लेखपाल पटवारी ये सब सर्वे करने नहीं आए, कोई नहीं आया, ये बार बार इतना दाना दिखा दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं, और लोगों को बताइए जो घर में, हाँ घर बैठे वही सर्वे कर लें, घर बैठे सर्वे कर लें, यहाँ आज कोई सैटेलाइट से कर लेते होंगे क्या पता, नहीं कुछ नहीं जी, अपने आप कागजों में कर लेते हैं, जो 5% नुकसान और 5% की हम भरपाई नहीं कर सकते, फैसला ले लें घर बैठे, अपने 5% 2% मान लिया गया,
उस हिसाब से करते हैं जो देना ना पड़े उस हिसाब से। अच्छा, इतना रखते हैं कि देना नहीं पड़े, ये क्या हिसाब है कि वो 10% नुकसान होगा तभी मुआवजा मिलता है? आएंगे तभी तो देखो, 50% से अगर अधिक नुकसान है तो हम जो मतलब नुकसान मानते हो, मतलब पूरे गाँव के खेतों का 50% बर्बाद है। अब मान लीजिए कि उधर के चार खेत की फसल नहीं गिरी है और ये गिर गई, तो इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? बताइए कौन सी तरतीब है, ये कौन सी हमारे जी अभी एक आपको बता दें कि ये जो मुआवजा जो फिक्स किया जाता है और जो बीमा है इसके ऊपर फसलों पे भी, उसकी भी रीति नीति अजब है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये भांति भांति के तोड़ के क्या बताना पड़ा, हर हर पौधा फसल अलग है क्या? साहब इस तरीके से सारी फसल अलग नहीं है, एक ये जो इसके नीचे दब गया है वो बेकार हो गया, वो जो नीचे दब गया वो बेकार हो गया। अच्छा, और जो ऊपर है हो सकता है बच जाए अभी, ये ऊपर वाला जो ये 50% नुकसान है, इसमें 50% नुकसान है जो ऊपर वाले, इसमें 50 से ज्यादा नुकसान है इसमें इस पर्टिकुलर खेत, मगर वो नहीं मानते, मगर वो ऐसे 45 तक 40 तक ले जाएंगे और कह देंगे कि 50 पे जो मतलब मुआवजा मिलता है 50 से कम नुकसान है हम कुछ नहीं देंगे। कभी आपको 50% मुआवजा मिला है इसमें? कभी नुकसान है? नो, एक बार मजाक उड़ाया था, एक एक किला पे जो मतलब अपना 25-25 रुपए तक दिए थे, एक एकड़ पर 25 रुपए 40 रुपए एक तरह से ये मानो कि बिल्कुल ही मजाक उड़ाया था उस साल भी। 20-20 रुपए का चेक बना के दिया था, 20 रुपए के लिए किसान वहाँ जाए तहसील में, दो बीड़ी के बंडल नहीं आते, दो बीड़ी के बंडल नहीं आते, बीड़ी मत ही पीजिए अच्छा है, नहीं पीएंगे वो तो एक बताइए आपको। पर आप आ, आ, आप जो यहाँ है मतलब जो दर्शक खेत में नहीं है उनको तो बताएंगे ना कि जो ओला पड़ने से और बारिश की वजह से जो गेहूं की फसल खड़ी हुई है, 3 महीने लगे हैं इसको तैयार होने में और अप्रैल तक जाते जाते लगभग ये पक जाना था इनको, और इसमें अभी दाने आने शुरू हो गए थे, अब इन दानों को धूप पड़ती तो और ये थोड़ा सा परिपक्व होते और ठोस रूप में आते, लेकिन ये नुकसान हुआ। अभी नुकसान को भी दो स्तर है कि एक ऊपरी हिस्सा है और एक निचला हिस्सा है, निचले हिस्से को और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जो ऊपरी हिस्सा है उसके वो बचा हुआ है और वो शायद उसका बहुत कम प्रतिशत निकलेगा जब गेहूं की कुटाई पिटाई होगी, तो ये एक हिस्सा है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक एकड़ जमीन में गेहूं बोने की लागत क्या आती है? एक एकड़ पे जो लागत लगभग जो मतलब 8,000 रुपए 8,000 रुपए लागत आती है एक एकड़ जमीन पे? जी, अपनी मजदूरी छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर, क्योंकि अपने तो और कोई काम है ही नहीं, यही करना है। हाँ, DAP बीज और खेत की जुताई। हाँ, इन्हीं में जो मतलब और सिंचाई 8,000 के लगभग जो मतलब खर्चा आ जाता दवा है। दवा। अच्छा, और जब उसका 8,000 में दवा नहीं है? नहीं, दवा नहीं है, दवा तो जो रोग लगेगा तो जो मतलब देते हैं, अगर कोई रोग नहीं है तो नहीं लगाते। और अगर दवा आपको लगानी पड़ गई तो कितना? 10,000 हो जाए। ठीक है, ये एक टोटल इसका खर्चा, और इसमें गेहूं जो एक एकड़ में जो आप बेचते हैं तो उससे कितना निकल पाता है पैसा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मतलब अपने 6,000 रुपये 6,500-30,000 का जो हो सकता है इसमें है? इसमें 10,000 लगा के आप 30,000 तक, अगर ये फसल बर्बाद नहीं होती तो 30,000 रुपये इसमें 10,000 में मजदूरी बिल्कुल नहीं जोड़ी, मजदूरी नहीं वो ठीक है, मजदूरी और दवा, दवा मतलब परिस्थिति के हिसाब से, मतलब हम और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि अगर ये बर्बाद नहीं हुई होती फसल तो 25,000-30,000 रुपया आप बेचते तो जो आपका वो रहता है वो अब बर्बाद हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के कृषि मंत्री ने ये मांग की है कि प्रति एकड़ 30,000 या 40,000 का नुकसान हुआ है और मुआवजा जो है वो कम से कम 10,000 मिलना चाहिए किसानों को, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि वो 3,600 रुपया अधिकतम दे सकती है और राज्य सरकारें 1,000 रुपया देती हैं, मतलब लगभग मिला के 4,600 रुपए का मुआवजा की रकम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कभी 10-25 रुपए से ज्यादा प्रति एकड़ मिला ही केवल एक बार मिला है हमारे सामने। हाँ, और वो भी जो मतलब 20 से लेके 50 रुपए बीघे तक जो मिला भी है वो 20 रुपया 25 रुपए का से लेगा 50 रुपए बीघे, तो ये एक चेक है जी। हाँ, फिर खाता खुलवाइए पहले, उसके लिए खाता खुलवा, जब उस चेक को लेके जाओ सबका खाता खुल गया। नहीं, ऐसे भी किसान हैं जिनके 35-35 रुपए के चेक आए हैं, मात्र 35-35 रुपए के, 30-30 रुपए के। तो ये जो हम मंत्रियों के बयान सुनते हैं कि 3,600 रुपया मुआवजा मिल रहा है, 1,000 रुपया मुआवजा मिल रहा है, ये सब फोकस बात है। राजनीतिक जितनी भी पार्टी है, राजनीतिक जितने भी नेता हैं, राजनीतिक जितने भी चाहे विधानसभा में जाओ चाहे लोकसभा में जाओ, ये सब के सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले। तो आप किसान लोग क्या राजनीति करते हैं कि राजनीति वाले आपसे वोट लेके जाते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं?
किसान को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बन जाते हैं जब आपको सब पता है कि क्या करें क्या करें, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, किसी ना किसी को देनी वोट। कांग्रेस देखी भाई, कांग्रेस ने किसानों की एस्टेसी करी तो बीजेपी को दे दिया, आज बीजेपी को देख लो क्या हो रहा है, बीजेपी क्या दे रही है आज। धान पिछली साल जो 4000 बिका था आज की तारीख में वो 1200 बिक रहा है, किस लिए? कि निर्यात नहीं खोला, निर्यात खोला तो 40% टैक्स लगा दिया, जब और देशों में मात्र 10% टैक्स है। और देशों का चावल जब सस्ता है तो हमारे यहाँ के इतने महंगे चावल क्यों लेंगे वो? आपका नाम? मुझे महेंद्र सिंह कहते हैं। महेंद्र सिंह, ये बताइए कि जब आपको इतना तक पता है आप लोगों को कि एक्सपोर्ट पर कितना ड्यूटी लगा हुआ है, बाकी देशों में कितना है, तो कुछ तो आप लोग भी तो जनमत बनाते होंगे ना, बड़े बड़े लोग देखे जाके लॉबी बनाकर वो अपनी मांग को मनवा लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं मनवा लेते? नहीं कोई सुनने वाला होना जब ना। हमारे एक मित्र ने बताया कि अमेरिका में किसानों की अपनी एक लॉबी है, आप लोग तो आंदोलन करते हैं और बाकायदा उनका वाशिंगटन में शानदार दफ्तर है और वो लाखों करोड़ रुपए अपनी मांगों को लेकर लॉबी पे खर्च करते हैं। जी मतलब हम वो नहीं कह रहे हैं कि आपको खर्च करना चाहिए, पर बस दर्शकों को हम अपने बता रहे थे। नहीं, अमेरिका में संपन्न किसान है। हाँ वो ये बात सही है, अमेरिका में मात्र 5% किसान है। हाँ, और वो संपन्न है, ये बात की जानकारी सही है। हाँ, जी हाँ, हमारे यहाँ 80% जो गरीब है और छोटे वाले किसान है। हाँ, जो कृषि के ऊपर आधारित है, चाहे खेती में मजदूरी कर रहा हो चाहे खेती के नाम पे किसान हो, 80% है आज हमारे देश में। पर मुझे एक इससे एक सवाल आता है कि अभी बता दें कि सिर्फ गेहूं नहीं, प्याज, आलू, सरसों है ना, तो ये सब जो रवि कॉम्प्लेक्स की जो फसलें हैं वो सब तबाह हुई हैं। इनका जैसे देवेंद्र शर्मा ने डेक्कन क्रॉनिकल में लिखा है कि जिस टेक्नोलॉजी से आप बता देते हैं कि हमारे यहाँ इतनी फसल होने वाली है या इतनी फसल होने का अनुमान है, रिकॉर्ड फसल होने का है, तो आप उसी टेक्नोलॉजी से ये भी बता दीजिए कि कितनी प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है ना, तो ये टेक्नोलॉजी से। हाँ देखो, हमारे यहाँ टोटल नुकसान ही नुकसान है आज धान में। हाँ, किसान की लागत नहीं निकल रही है, मजदूरी बात अलग है। हाँ, इसी तरह से देखो ये जंगली पशु है। हाँ, नीलगाय। हाँ, नीलगाय। हाँ, ये टोटल खेती को बर्बाद करते हैं, कोई इंतजाम नहीं है सरकार पे इनके लिए। भाई क्या करें, कहां जाएं, हम किससे फरियाद करें? इकट्ठे होके आंदोलन करते हैं, इकट्ठे होके कहते हैं, इनको सुनने वाला हो जब ना। आज इतने नुकसान के बाद में आप देख रहे हो कि टोटल फसल चौपट है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी आज सर्वे के लिए नहीं आया। और कितना दिन हो गया है इस फसल को गिरे हुए? इसको हो गए होंगे 20 दिन। 20 दिन? 20 दिन करीब, 20 दिन हो गए, कोई आया नहीं है ना। ओहो, लेकिन संसद में सब भूमि अधिग्रहण बिल पर आप लोगों की क्या चिंता कर रहे हैं, मजा आ गया, ऐसा लगता है कि आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे हमारे सांसद। 100% तकलीफ, इतनी तो हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। 100% तकलीफ है, सिर्फ घड़ियाले आंसू मुंह से, मतलब भलाई की बात करते हैं। हाँ, सिर्फ घड़ियाले आंसू भूमि अधिग्रहण बिल पे, तो मतलब सत्यानाश कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों से ज्यादा कूड़ा बिल बना दिया। ये देखिए, ये जो जितना हम नजदीक जा रहे हैं उतना ही ये सब बर्बाद फसलें दिख रही हैं, सब नजदीक जाते जाते ऊपर से हरियाली दिख रही है। हाँ, नीचे इस तरीके पर देखिए, एक तो फसल जो है वो यहाँ पूरी गिर गई है, लेकिन इसका कोई सर्वे नहीं होता है। एक जो बीमा को लेकर एक विवाद होता है कि 10% इलाके में अगर फसलें बर्बाद होंगी टोटल। नहीं साहब, ये आपको किसी ने शायद गलत बता दिया है। बीमा के नाम पे किसानों को बहुत बड़ी तरह ठगा जा रहा है। क्यों? के बीमा के नाम पे ब्लॉक को इकाई मान लिया इन्होंने, ब्लॉक को। ब्लॉक को इकाई। हाँ, ब्लॉक की अगर जो 70% फसल बर्बाद होती है। हाँ, तो ही बीमा का लाभ मिलेगा। अच्छा, और पूरे ब्लॉक की 70% फसल बर्बाद नहीं होती है नहीं, तो हमको बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम ये भी देखें कि अगर ओले पड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे खेत बर्बाद हो जाएं, कुछ खेत बर्बाद होंगे, हो सकता है कुछ खेत बगल के ही खेत में ना हो। जी जी जी। लेकिन 70% के कारण वो जो आपकी बर्बादी का है वो मुआवजे में नहीं आएगा। हाँ, मतलब कुछ नहीं मिलता इनका। जियो देख लो, एक किसान को आज तक बीमा के नाम पर पैसा मिला हो। हाँ, इस बात को मैं दावे से कह रहा हूँ। हर साल आप देते हैं प्रीमियम, कितना पैसा देते हैं? हमारे यहाँ सोसाइटी है। हाँ, जो खाद बीज देना काम करती है। हाँ, वो किसान से पहले ही पैसा काट लेती है बीमा का। अच्छा। हाँ, क्यों? कि किसान के पास नगद खाद खरीदने के लिए पैसा है नहीं। हाँ, जो आप खाद लेने जाते हैं। जी हाँ, 4000 का खाद अगर खरीदे तो आप वहीं से 100 रुपया 200 रुपया बीमा में कट जाता है। 300 रुपए 300 रुपया प्रति एकड़। जी हाँ, नहीं, कम है। नहीं, एकड़ पे नहीं है, 300 एकड़ पे नहीं है, एकड़ पे नहीं तो हेक्टेयर पे होगा।
हेक्टर पे, पर वहाँ पैसा कट जाता है, लेकिन वो उसका कभी आपको मिलता नहीं है लाइफ इंश्योरेंस, कभी आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिलता है। अब देखिए इसको देवेंद्र शर्मा ने एक उदाहरण से समझाया है कि अगर हमारी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस है और उस पर ठोकर लग जाती है तो हम उतना परेशान नहीं होते हैं, दुख होता है, लेकिन ये जानते हैं कि बीमा की राशि हमें मिल जाएगी। अगर यही शर्त हो कि आपकी गाड़ी को ठोकर लगी है लेकिन बीमा की राशि तब मिलेगी जब ऐसी 300-400 गाड़ियों की या पूरे गांव की 70% गाड़ियों गाड़ियों में ठोकर लगी हो तब बीमा मिलेगा भाई साहब। तो फिर तो ये ऐसा होगा नहीं। तो खेती किसानों के लिए ये नियम क्यों? अगर आप शहरी आदमी हैं, अगर आपके मोहल्ले के एक घर में आग लगी है और बीमा की क्या नियम ऐसा हो कि जब पूरे मोहल्ले के 70% घरों में आग लग जाएगी तब आपको बीमा की राशि मिलेगी, तो क्या आप ऐसी सुविधा बर्दाश्त करेंगे? लेकिन किसानों पे ये सुविधा थोपी गई है कि अभी आपने महेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लॉक को एक इकाई माना जाता है और एक ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक एक इलाका समझिए, एक इलाके में अगर 70% खेतों में फसलें बर्बाद हुई हैं तब उनको बीमा की राशि मिलेगी, यही बात है? बिल्कुल यही बात है। तो जो दिल्ली से आपको बात बताई जाती है कि किसानों के लिए सरकारें कितनी शुभचिंतक हैं, वो शायद उतनी हकीकत नहीं है, और ये सबके अनुभव में है और ये सब दावा कर रहे हैं कि अगर आप इन्हें गलत साबित कर दें तो वो भी अच्छा है कि 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक वो मुआवजे की राशि मिलती है। ये आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। बीमा की भी एक गड़बड़ी हुई है तो 30,000 का नुकसान हुआ। ये इसलिए भी दे रहे हैं कि पंजाब सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को सरकार मुआवजे की राशि 10,000 रुपये तक दे। महेंद्र सिंह जी, अभी मैं पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 4,500 से लेकर 9,000 तक प्रति एकड़ भरपाई मिलनी चाहिए। हाँ, हेक्टेयर कहा है। अच्छा, तो वो और कम हो जाता है, एकड़ पे आके और कम हो जाता है ना? एकड़ 5 बीघे का। हाँ, एकड़ 5 बीघे का होता है। 5 बीघे का होता है, 12.5 बीघे का। ओह, तो उस हिसाब से मतलब अगर हेक्टेयर पे अगर 9,000 मिले तो वो भी काफी कम है ना? कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं है। तो ये एक लागत भी नहीं निकल रही है, वो एक अंतर को लागत भी नहीं निकल रही है। तो कम से कम मुआवजा इतना हो कि लागत निकले, है ना? ये बात, लागत तो निकले, हमारी मजदूरी ना मिले, लागत निकले। अगर बीमा करा दिया जाए, अगर बीमा की ऐसी व्यवस्था हो कि एक खेत, मान लीजिए सारे खेत में फसल बर्बाद नहीं है, आपके 5 एकड़ खेत में या 25 हेक्टेयर गेहूं जो बर्बाद हुआ, तो आपको मिलना चाहिए बीमा, है ना? मतलब किसान को इकाई माना जाए, किसान को इकाई माना जाए, ना कि इलाका को इकाई माना जाए। ठीक है जी। तो ये हम एक और खेत में आए तो देखिए ये खेत किस तरह से बर्बाद है, ये पूरी तरीके से ये बर्बाद हो गया, ये फसल जो है अब ये बर्बाद हो चुकी है, मतलब नीचे का सब गल गया जी, कुछ नहीं इसमें, और इसमें भी दाना नहीं पड़ना, पूरा बर्बाद है। तो यही हाल सरसों के खेतों का भी होगा, यही हाल सरसों का, बिल्कुल पूरा होगी, बिल्कुल बेकार होगी सरसों। क्या दिखा रहे हैं आप? अच्छा, ये गल गया है, अंदर से सूख रही है, गति देखो, ये अभी सूखने वाली है, ये सब गल जा रहा है, देखो इधर से देख, ये जो दब रही है ना, ये सब सूख रही है, ये सब गल गई है, ये दाना नहीं पड़ेगा, इनमें दाना नहीं पड़ेगा, ये सब बर्बाद है जी, ये तूड़ी भी काम की नहीं रहेगी, मतलब चारे के भी काम नहीं आएगा, चारे के भी काम नहीं, कोई नहीं माने, कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं इससे। तो अगर दिल्ली से ये घोषणा हो जाए कि केंद्र सरकार या कोई भी सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है तो उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती, मतलब किसान के पास कुछ नहीं पहुँचता, सब ऊपर से ऊपर रह जाता है जी। पिछले साल हमारे पैर में आग लग गई, हाँ, 11,000 को कुछ नहीं मिला, ये गेहूं इकट्ठा जैसे आग लगी थी, ये तो एक किसान के पैर में, एक तोड़े पैर में आग लगी पिछले साल खेत में, हाँ, खेत में आग लग गई, 1,00,000 कटने के बाद जब इकट्ठा किया जाएगा उसे हम पैर बोलते हैं, पैर मतलब खलियान में जहाँ रखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, खलियान में आग लगी थी, जो पास में पहले साल का भूसा था वो भी जो जल गया, और पूरा गेहूं और जो ये भी जो मतलब पूरा जल गया, और आज तक दो आने नहीं मिले, ये खड़े हैं, बताइए, दिखा दिया। तो हम इसीलिए आए हैं कि ताकि कई बार हम खुद खबर पढ़ते हैं कि इतना मौसम के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं, ठीक है, जी, जी, जी। लेकिन वो भीतर की बात पता नहीं चलती है कि उस बर्बादी का मूल्यांकन कैसे होता है, मूल्यांकन कुछ नहीं होता, सब खामोखा के ड्रामा है, खामोखा किसान को बहकाने वाली बात संसद में उठाई जाती है, किसान को बहकाने वाली बात विधानसभा में उठाई जाती है, लेकिन फील्ड पे आके जमीन पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कूड़ा, ये घपला है। गवर्नमेंट इस बात को कहती है कि ब्लॉक के 70% गांव
नष्ट हो जाएंगे जब हम दे देंगे तुम्हें 50-40 रुपए बीघे को। 80 का वो उसके बाद भी 40 रुपए आता है जब ये हो जाता है तो, है ना? वो पीछे जो मिलाता है यही स्थिति हुई थी। 1997 का रेशो है इनका। अच्छा 1997 का। जी हाँ। और 2500 रुपया हेक्टेयर, यानी कि 200 रुपए बीघे। तो एक दिन की मजदूरी है। जी हाँ, एक दिन की मजदूरी 300 रुपए। एक आदमी की 300 रुपए। एक दिन की मजदूरी 300 रुपए। कहीं बाहर खाने चले जाते 200 रुपए, हम तो 4 रोटियां, 50 रुपए रोटी देंगे। एक टाइम का खाने का वर्थ नहीं है जो ये दे रहे हैं। आदमी 20 रुपए का चेक मिल लो है ना, बाकी तो वही बराबर है, 10 रुपए इतने लगे किराए के, 10 लगे परी के, 20 छोड़े। सब पता है इन लोगों को कि किस तरह से मूल्यांकन होता है, कैसे जमीन की नपाई होती, सब चीज पता है। रेशियो क्या है, कब बदला है, कब तक का है, सब पता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरह से एक अंतर रह जाता है, एक धोखाधड़ी होती है किसानों के साथ। हम थोड़ा सा एक और जानना चाहते हैं कि मैं पढ़ रहा था कि जो फसल बीमा है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं? कोई प्राइवेट कंपनियां आएंगी, जैसे हमारे एक देवेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया है कि जो 49% FDI दी गई है बीमा कंपनियों को, उनको ये कहा जाए कि वो गांव में भी जमीनों का बीमा करें फसलों का। उसमें एक ही संशोधन हो सकता है, जो हो सकता हो तो, कि सिर्फ किसान को इकाई माना जाए। जब मैं बीमा करवा रहा हूँ अपनी फसल का तो मुझको इकाई माना जाए, मेरी जितनी फसल बर्बाद है उसका मुझे बीमा का लाभ मिले। ये ना कि मेरी बर्बाद हो गई तो मैं पड़ोसी की बर्बाद करूं तभी मुझे जो होगा बीमा का लाभ मिलेगा। बीमा का लाभ मिलेगा तो कोई एक इंडिविजुअल खेत का, प्लॉट का ऐसा बीमा हो और आप उसका प्रीमियम दें। हाँ। वो प्रीमियम सरकार भरे, सरकार है ना। वो मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका में वो प्रीमियम जो है, मेरे किसी मित्र ने बताया कि सरकार भरती है और वो एक तरीके से सरकार मतलब किसानों को सब्सिडी देती है, मदद करती है, कई और भी तरीके हैं देने के। लेकिन अमेरिका की तुलना हमारे किसान से मत पर करें, क्योंकि वहाँ वहीं का नाम लेके हम सब्सिडी हटाते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में 70% सब्सिडी है। 70% सब्सिडी। जी हाँ। अगर जो 100 रुपए लागत के आएंगे किसान के, हाँ। तो 70% सीधा इसके अकाउंट में, किसान खाते में जाएगा। हिंदुस्तान में 0.3% हाँ, और वो भी कंपनियों को मिलता है, किसान को नहीं मिलता कुछ। पर एक और रिकॉर्ड खबर देख रहे थे कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहने वाला। नहीं, ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा। और इसको भी खरीदने वाला पैदा नहीं है। सरकारी कांटे, ये अगर इसमें सरकारी कांटे लगेंगे ना, मत के लिए लगेंगे, कहेंगे बारदाना नहीं है, कहेंगे लेबर नहीं है। हाँ। कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि अच्छा दाना नहीं है तो छंट जाएगा ये। अच्छा दाना होगा उसका भी नहीं खरीदेंगे। हाँ। देखो सबसे दुख की बात है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो 3 साल में दूनी ना हो रही हो, और हमारे यहाँ मत 50 रुपए बढ़ाए, इसी साल 1400 रुपए लिए थे, अब के 450। अर्थशास्त्री लिखते हैं कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको जितना कम रखिएगा, आपकी क्रय शक्ति कम रहेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है। एक बार वो बड़ी तारीफ करते हैं, सुजीत भल्ला जी ने लिखा कि वो MSP है वो कम बढ़ाना चाहिए। एक बात बताइए, उत्पादन क्या है, मूल उत्पादन क्या है हिंदुस्तान का? यही है जहाँ खड़े हैं, और उसको गड्ढे में डाल दो। नहीं, लागत तो बढ़ रही है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली खेतों से होके गुजरती है। हाँ, ये कहते तो सब हैं, और ऐसा नहीं है, हर सरकार में हर राज्य में जाकर देखिए तो कहीं भी किसान ऐसी व्यवस्था से एक तरह से संतुष्ट नजर नहीं आता है। 1947 का जियो है, 1947 में शायद 200 रुपए बीघे के पर्याप्त होंगे। 1947 में बनाया था कि अगर जो किसी का कच्चा घर गिर जाए तो उसको 700 रुपए मुआवजे के मिलेंगे, कच्चा घर गिर जाए तो शायद 700 रुपए पर्याप्त होंगे 1947 में, वही आज मिलता है। यूरिया बढ़ गया, यूरिया का दाम बढ़ गया 334 के बजाय, ब्लैक में मिला, ब्लैक ब्लैक में आप लोगों ने यूरिया खरीदा? जी हां, ब्लैक मिला 500 रुपया, 500 जैसे जा मांग ली हुई 311 रुपया की कीमत है कट्टा की सोसाइटी पे, सोसाइटी पे यानी सरकारी रेट जो है 311, और यहाँ मिले 500 रुपया को ब्लैक में। बताओ किसान तो यूरिया खरीदे आप ब्लैक में। अच्छा, ये एक और चीज पता चल गया कि एक तो अफसर नहीं आए, दूसरा ब्लॉक, दूसरा बीमा, और ये यूरिया का ब्लैक। हमारे पास में हरियाणा लगा हुआ है, हरियाणा तक के लोग भाग के लाए यूरिया को, तब लगाया तब ये गेहूं की। आज किसानों के घर में रोटी नहीं बन रही है,
जिन्होंने ब्लैक में यूरिया खरीदा, दूसरे प्रदेश से लाके यूरिया खरीदा लगाया और फिर पूरी फसल बर्बाद, क्या करें किसान? सन 67 का मूल्यांकन बताता हूँ मैं आपको, 1967 में 75 रुपए कुंटल गेहूं के रेट थे, 75-76 यानी 2-3 रेट हुआ करते थे। हाँ, 1967 में 150 रुपए तोले सोना था, दो कुंटल गेहूं बेगा, एक तोले सोना खरीद लिया हमने 1967। जी हाँ, अच्छा। 1967 में 2 रुपए तोले चांदी, 7 रुपए का सीमेंट कट्टा, 12 रुपए का खाद कट्टा, 35 पैसे लीटर डीजल, 35 रुपया कुंटल लोहा और 25 रुपया ईंट, यानी कि 1 कुंटल गेहूं बेका और 3,000 ईंट ले ली हमको आज दिला दो। वो समय एक 2 कुंटल गेहूं बेका और एक तोले सोना ले लिया हमको आज दिला दो। 2 क्विंटल बेचेंगे तो कितना होगा दर्शकों के लिए बताइए राशि में? 2900 रुपए। हाँ, आजकल 2900 रुपए का दोनों मिला के, दोनों मिला के 2900 रुपए का है, 2900 रुपए में तो कुछ नहीं मिलेगा। सोने का रेट जो मतलब इस समय जो 29,000 तो हमें जो 67 का जो मतलब जो मूल्यांकन है हर चीज का उससे भी नीचे चले गए। हमको बिल्कुल बीमा मत दो, बिल्कुल भी बीमा मत दो, बिल्कुल भी हमको मुआवजा मत दो फसल का, हमको 1967 का रेशो दे दो। एक दाना बोने वाला जो सैकड़ों दाने पैदा करता हो वो आज गरीब, उस घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ये मौज मार रहे हैं। लाखों लोगों ने मतलब आत्म दाखिल लिए कर्ज में दबके, ये जो कुर्ता पजामा पैर रखेगा ये भी लोन के हैं।